हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स वन लाइनर्स में आज क्या स्पेशल है आपके लिए? तो देखते हैं एग्जाम माइंड्स कौन कौन सा पॉइंट आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत जबरदस्त हेल्प करेंगे। तो इन टुडेज सेशन गेट ब्रीफिंग्स अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक सच एज इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023, इसका वेन्यू क्या है, लूनर 25 मिशन किस कंट्री ने शुरू किया है और एम्पावर्ड वीमेन आइकन अवार्ड किस इंडियन को मिला है, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, आज हम इसे भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पिटारे में। वेन्यू ऑफ इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 क्या है वेन्यू इस बार का, वो है बेंगलुरु। तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल सेकेंड ईयर है इसका और ये 3 डे फेस्टिवल है जो अगस्त 10 से 12 तक हुआ। कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट इंडिया का सबसे ज्यादा स्टार्टअप वहां पे हुआ है और वो है महाराष्ट्र। ये याद रखेंगे, इस बार का इनोवेशन है इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो यादें और भी चीजें रखनी है, जैसे मोर देन 10,000 स्टार्टअप्स एंड अराउंड 500 इन्वेस्टर्स फ्रॉम इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया रादर यूके एंड जापान इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। मेजर फेस्टिवल्स ऑफ 2023 क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में है, 2023 का ये सारे वेन्यूज बता रहे हैं। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश, ताज महोत्सव आगरा उत्तर प्रदेश, बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल, ये याद रखिएगा जरूर, बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल आसाम, मामानी फेस्टिवल लद्दाख और इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, विच डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द वाटर लाइफ सर्वे 2023 रैंकिंग। द वाटर लाइफ सर्वे में कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप हुआ है और आंसर है इसका श्रीनगर। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप द फ्रंट रनर कैटेगरी ऑफ जल जीवन सर्वेक्षण 2023, राइट। सो श्रीनगर टॉप्स द रैंकिंग ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आ रहा है, विच स्टेट हैज रिसीव्ड $363 million लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू 2 million रूरल हाउसेस। और राइट आंसर इसका बी ऑप्शन, दैट इज कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटका को वर्ल्ड बैंक दे रहा है $363 million का बैकअप, एक लोन जिससे कि रूरल हाउसहोल्ड्स में लोगों को पीने का पानी मिल जाएगा। विच कंट्री हैज लॉन्च द लूनर 25 मिशन, और राइट आंसर है इसका रशिया। और जी हाँ, रशिया ने भी अभी एक लूनर एक्सपेडिशन भेजा है और ये भी ऑलमोस्ट उसी टाइम में पहुंचेगा जब इंडिया का चंद्रयान वहां पे लॉन्च होने वाला है साउथ पोल पे। सो यहाँ पर और कुछ पढ़ लेते हैं। सो रशिया हैज बीन सो दिस एक्चुअली लूनर 25 मिशन हैज बीन लॉन्च ऑन 10th of August 2023। इट विल लैंड ऑन लूनर सर्फेस ऑन August 21st or 22nd। चंद्रयान 3 लेफ्ट फॉर द मून ऑन July 14th एंड इनफैक्ट इट इज ऑल्सो लाइकली टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑन August 23rd। साउथ पोल ऑफ मून, नॉट अर्थ, राइट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। उसके पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, एग्जाम माइंड्स आपके लिए करंट अफेयर्स के एकदम चुनिंदा चीजें लेकर आते हैं, सारे हाइलाइट्स रहते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, यहाँ तक के स्पोर्ट्स के सारे पॉइंट्स और जो कुछ भी ट्रेंडिंग होता है, ये सब कुछ आपके लिए लेकर आते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बहुत फायदा ही होगा, राइट। तो बढ़ते आगे पॉइंट पे, पांचवा पॉइंट आ रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप अ टारगेट टू एलिमिनेट लिम्फैटिक फाइलेरियासिस डिजीज फ्रॉम इंडिया बाय विच ईयर। ये एक तरह का डिजीज है जिसमें पैर जो है वो हाथी के पांव की तरह फूल जाता है। अब इस डिजीज को किस साल तक गवर्नमेंट ने प्लान किया है बिल्कुल इरेडिकेट करने के लिए, और राइट आंसर है इसका बाय 2027। इन दिस डिजीज द लेग्स बिकम थिक लाइक एलिफेंट्स। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैज अनाउंस्ड द इरेडिकेशन ऑफ दिस डिजीज बाय 2027। द कैंपेन विल कवर 81 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्मली नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसी एरिया में ये ज्यादा फैला हुआ है ये बीमारी। द फोर्थ कमिंग टारगेट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स इंडियन गवर्नमेंट के, जैसे 2023 के टारगेट्स क्या क्या है देख लीजिए।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाएगा, कालाजार कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गॉज ट्रेन ये हो जाएगा 2023 में, और साथ में सेल्फ सफिशिएंट इन फर्टिलाइजर सेक्टर, और इंडिया ने इसमें बहुत ही काम किया है, अब शायद ही हमें इंपोर्ट करना पड़े, इस तरह से फॉरेन करेंसी का काफी बचत होगा इंडिया का। और साथ में 2023 में एक और टारगेट है, कनेक्टिंग ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैपिटल विद रेल नेटवर्क। इसके साथ साथ 2024 का क्या है टारगेट्स, तो ये भी देख लेते हैं। जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2024, टारगेट टू डबल फार्मर्स इनकम बाई 2024, पहले ये टारगेट 22 का था। टारगेट टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल, पहले ये भी टारगेट 2022 में था कि कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कोरोना के चलते ये दोनों टारगेट को आगे बढ़ाना पड़ा, और अब ये टारगेट है 2024 तक फार्मर्स का इनकम डबल होना है, और हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2024, ये गवर्नमेंट के रिसेंट टारगेट्स हैं। अगला पॉइंट आ रहा है, विच हैज बिकम द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। सो दुनिया के जितने भी राजधानी है उसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड राजधानी कौन सा है, तो वो है जाकार्ता, इंडोनेशिया का कैपिटल। सो अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फर्म IQ एयर, इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। इंडोनेशिया इसका कैपिटल है जकार्ता, प्रेसिडेंट जोको विडोडो है, और करेंसी यहाँ पे रुपया है, इंडियन करेंसी से काफी मिलता जुलता नाम है। देखिए यहाँ पर इंडोनेशिया का है, काफी बड़ा कंट्री है, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स हैं, सब मिलाकर एरिया देखेंगे तो काफी बड़ा ये होता है, और साउथ ईस्ट एशिया का ये सबसे बड़ा कंट्री है। देखिए इस कहाँ पर लोकेशन, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है, और फिलीपींस के या थाईलैंड के ये साउथ में ये पड़ता है, पापुआ न्यू गिनी इस तरफ है, राइट। इसका लोकेशन भी क्लियर हो गया आपको। अब हम पहुंच गए आज के सब लास्ट पॉइंट पे। मायरा ग्रोवल हैज बीन ऑनर्ड विद द एम्पावर्ड वुमन आइकन अवार्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री, एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम, या यूके ने इनको दिया है, मायरा ग्रोवर को एम्पावर्ड वुमन आइकन अवार्ड, इनको पहचान लीजिए। और भी कई कुछ और भी अवार्ड है, वैसे इनके बारे में कुछ और भी यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। ऑथर इन द न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन सेक्रेटरी मायरा ग्रोवर हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस वुमन आइकन अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स एज एन ऑथर ऑन मेंटल वेलबींग। दिस अवार्ड हैज बीन गिवन टू हर फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू हर सोसाइटी। इनफैक्ट हिज लिखा हुआ है, हर जगह हर होगा, ये खाती है, राइट। सो और कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, उसे भी देख लेते हैं टेक अवेज में। सो रिसेंट अवार्ड्स में क्या क्या है, कार्तिक आर्यन को मिला है राइजिंग ग्लोबल सुपर स्टार अवार्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। देन PM मोदी को मिला है लोकमान्य तिलक अवार्ड, रतन टाटा को उद्योग रत्न अवार्ड, बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड मिला है, मोक्षा राय को यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर्स पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, और प्रोफेसर थलापिल प्रदीप को मिला है इंटरनेशनल एनी अवार्ड्स। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आज आपके पास लेकर आए हम लोग, और चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत आपको हेल्प होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।